बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू यानी ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। अब जनाब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपके पास है x प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करना है। इसको हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करना है ताकि जल्दी मल्टीप्लीकेशन हो जाए। और फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स लाइक माइनस 1 एंड प्लस 3 इन द गिवन केस। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 कैन बी मल्टीप्लाइड एज एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर आ जाएगा आपके पास माइनस 1 और प्लस बी की जगह पर आपके पास आ जाएगा 3, और वायर एक्स मौजूद है डिसेंडिंग ऑर्डर स्क्वायर के बाद एक्स पावर 1 आनी चाहिए, और फिर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जाहिर है ए आपके पास क्या है माइनस 1 और बी आपके पास क्या है 3। सो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी, लेकिन लिख रहा हूँ मैं क्या जो ए और बी के तौर पर यहां पर मौजूद है, प्लस ए इंटू बी दैट इज ए आपके पास आ गया माइनस 1 और बी आपके पास आ गया 3। राइट हैंड साइड के ऊपर हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू ओपन द ब्रैकेट, और आपको पता है कि 5 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में हम 5x पावर 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1x पावर 1 के साथ। यहां पर जो चीजें नहीं थी वो मैंने मेंशन कर दी है, 5 1 इज 5 हो जाएगा, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होने की सूरत में पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 0 प्लस 1 इज 1 और 1 को हम ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि 1 ही होता है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x। अब जनाब हम जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और एक माइनस 3 ऑलरेडी बाय एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी हमने नोट कर देना है, लिख लेना है। नाउ x स्क्वायर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी माइनस 1 प्लस 3, जहन में सोचें माइनस 1 प्लस 3 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 1 ड्रॉप हुआ 2, और वो 2 भी कौन है प्लस 2 है, लिहाजा हम प्लस 2 x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, जहर ये प्रोडक्ट होगा तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ये वाला पॉजिटिव साइन, ये वाला माइनस 1 और ये वाला 3, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस 3 के साथ वाला प्लस माइनस ही रहेगा, और 3 वन इज 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब प्लस 7 कहां से आ गया, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 10 में से 3 ड्रॉप हुए 7, 10 के साथ प्लस है तो प्लस 7। नाउ हमने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल की है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को खाली कर दिया यानी 5x को तो शिफ्ट कर दिया माइनस 5x, प्लस 7 को तो शिफ्ट कर दिया माइनस 7, प्लस 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म है हम कलेक्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और कोई टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, लिहाजा एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स वाली टर्म को लिखेंगे एक साथ, और फिर हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे एक साथ। अब जनाब एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है, इसी तरह लिखी जाएगी प्लस 2 माइनस 5 और साथ में जाहिर है एक्स वाई, जाहिर है प्लस 2 माइनस 5 अपोजिट साइन, तो 5 में से 2 ड्रॉप हो जाएंगे, 5 में से 2 ड्रॉप हो तो क्या रह जाएगा 3, साथ में एक्स आएगा, साइन वो लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ है, 5 बड़ी टर्म है तो इसका मतलब है कि डिफरेंस के साथ माइनस का साइन आएगा। अब जनाब सेम साइन है दोनों के साथ, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, x पावर 0 है, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, इनकी x और पावर सेम था यानी वेरिएबल और पावर सेम था, लाइक टर्म्स। अब यहां पर भी जो देखें आप x पावर 0 है कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है,
सो एडिबल है. सेम साइन मतलब एडिशन, 3 एंड 7 मेक्स 10, और उसके बाद जो है साइन वो लगेगा जो दोनों के साथ है, यानी यहां पे क्या आएगा माइनस, दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए इन दोनों के सम के साथ ये आपके पास नेगेटिव साइन आएगा. ठीक हो गया. अब जनाब आपने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, विच इज कि राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमने ये जो जितने स्टेप्स किए हैं, यानी ब्रैकेट्स को ओपन किया, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके ओपन किया, यहाँ पर भी हमने 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन किया, वहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पे हमने जो है वो ऑनवर्ड सॉल्व करते गए, फिर करते करते हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल कर लेने के बाद दूसरे स्टेप की तरफ जाना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो दूसरा स्टेप है वो है डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय होल इक्वेशन. आपने सारी इक्वेशन के साथ जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है इफ इट इज अदर देन 1. लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसलिए हमने ये स्टेप करना नहीं है, ये ऑलरेडी डन है. इसे क्योंकि 1 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड भी करते हैं तो वही चीज़ें दोबारा से हासिल हो जाती हैं, इसलिए हम ये स्टेप नहीं करते. नाउ नेक्स्ट स्टेप है शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 मीन माइनस 10 और शिफ्ट करो तो प्लस 10 हो गया. अब जनाब नेक्स्ट स्टेप एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. 3x में कोफिशिएंट है x का कौन 3, 3 का हाफ डिवाइडिंग बाय 2, और फिर इसके स्क्वायर को आपने क्या करना है दोनों तरफ ऐड करना है. पहले हाफ निकालना है लेना है, और हाफ लेने के बाद आपने उसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है. सो एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. सो फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर भी ऐड करते हैं आप किसको 3/2 होल स्क्वायर को, और उधर भी आप ऐड करते हैं किसको 3/2 होल स्क्वायर को. डन. नाउ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसको चेक करेंगे हम किस तरह से. पहले हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं और 2ab कौन है. सो जनाब परफेक्ट स्क्वायर को सामने नजर आ रहे हैं कि आपके पास 3/2 होल स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर भी जो है वो होल स्क्वायर भी जो परफेक्ट स्क्वायर है. इसको लाजमी इन दोनों के अकॉर्डिंगली 2ab होना चाहिए. सो लेट्स सी 2 इनटू ए इनटू बी. ए आपके पास आएगा यहां से x, यहां से b आपके पास आएगा 3/2. इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3x आना चाहिए. आता है कि नहीं आता, लेट्स सी 2 इनटू x इनटू 3/2. सो यहां पर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x आ रहा है. सो इट मींस दैट कि 3x इज एक्चुअली 2ab ऑफ दीस टू परफेक्ट स्क्वायर्स. नाउ 10 प्लस स्क्वायर दोनों पे शिफ्ट होगा अगली टर्म में, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4. नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए माइनस यहां से क्योंकि 2ab के साथ माइनस है और बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. नाउ स्टूडेंट्स 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ऑन द राइट हैंड साइड, तो 1 होता है 4 और 1 कैल्शियम डेफिनेटली 4 आएगा. आप बेशक चेक कर सकते हैं, सिंपल इस तरह से प्रोसेस करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आता है 4 ही आता है. नाउ स्टूडेंट्स 10/1 है तो 1 जो है वो 4 के ऊपर कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 1 इज 4. सो 4 टाइम जो होगा आपने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है 40. इसी तरह से 4 4 के ऊपर कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, हर नंबर अपने ऊपर 1 टाइम डिवाइड होता है. सो दैट्स व्हाई 4 4 पे 1 टाइम डिवाइड होगा और वो 1 टाइम्स जो है वो इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 1 इज 9. नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरह से लिखा क्योंकि अभी राइट हैंड साइड टोटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. अब आ जाएगी 40 में 9 को ऐड किया तो 49 और डिवाइडेड बाय 4. नाउ स्टूडेंट्स इन तमाम स्टेप्स को करने के बाद फॉलो करने के बाद जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था
वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई x माइनस 3 बाय 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर 49 बाय 4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल्ड आउट, x माइनस 3 बाय 2 रह गया, यहां पर प्लस माइनस तो आएगा डेफिनेटली, 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। नाउ स्टूडेंट्स हियर एग्जिस्ट टू पॉसिबिलिटीज, कि लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू द पॉजिटिव राइट हैंड साइड दैट इज प्लस 7 बाय 2 और माइनस 7 बाय 2। सो हम इन दोनों को बारी बारी इन दोनों केसेस को लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो जनाब फर्स्ट हम लेते हैं x माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस 7 बाय 2 और सेकंड जो केस है वो है और x माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2, यानी एक दफा प्लस 7 बाय 2 और एक दफा माइनस 7 बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। नाउ यहां पे लीनियर इक्वेशन में से x को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 3 बाय 2 को शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो दिस 7 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 उस तरफ शिफ्ट होगा तो दिस विल बी प्लस 3 बाय 2। सिंपल सिंपल जो है एलसीएम है 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम और न्यूमिनेटर उसी तरह से शिफ्ट होते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन नंबर 2 किसी पार्ट के अंदर ये बात डिस्कस कर चुका हूं। सो 7 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 10, सो 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब जनाब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है x माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2, सो यहां पर हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करने के लिए माइनस 3 बाय 2 को शिफ्ट करेंगे, देयर इज अ चेंज इन साइन, सो आपके पास माइनस 7 बाय 2 और प्लस 3 बाय 2 आ गया, एलसीएम 2 माइनस 7 और प्लस 3 इसी तरह से शिफ्ट होंगे और फिर माइनस 7 प्लस 3 अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगा, 7 में से 3 ड्रॉप किया और फिर आपके पास जो है माइनस माइनस ही रहेगा और 4 बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, अब जो फाइनल स्टेप आपके पास आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ, एक आ गया आपके पास माइनस 2 और एक आपके पास आ गया 5। ये स्टेप आपने अच्छे से करना है, मेरे पास थोड़ी स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ कॉने में कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज यहाँ पर आपके पास जो एक्स वैल्यूज डन हो जाती है फाइनलाइज हो जाती है तो उसके बाद आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज इस सॉल्यूशन सेट को आपने लिखना है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।